अस्तमाग तुम मेरे हाथों से नहीं बचोगे। द्रौपदी से पूछ लिया, बोले इसका क्या करना चाहिए। तो द्रौपदी कहती है, महाराज ऐसा करो, आप इसे छोड़ दीजिए। छोड़ दे, जवाब दिया, ये तुम क्या कह रही हो कि छोड़ दे, इसने हमारे बच्चों का वध कर दिया और तुम कह रही इसे छोड़ दे। नहीं, द्रौपदी बोली, महाराज जरा सोचो, इसके मारने से हमारे बच्चे वापस तो नहीं आ जाएंगे। अगर आपने इसे मार दिया तो जितना दुख मुझे हो रहा है उतना ही दुख इसकी मां को भी होगा, आप इसे छोड़ दीजिए। ये दूसरे से पूछ लिया अर्जुन ने, बोले भैया इसका क्या करें। तो वो कहने लगे, देखो कुछ ऐसा ना हो जो धर्म के विपरीत काम हो जाए। भीम से पूछा, भैया क्या करें इसका, इसे मार दें या छोड़ दें। तो भीम कहते हैं, तूने अगर छोड़ दिया तो मैं मार दूंगा। बहुत सारे लोग खड़े, श्याम सुंदर भी खड़े हैं, और कन्हैया से तो किसी ने पूछा ही नहीं, और जब तक कोई पूछे नहीं तब तक बोलना भी नहीं चाहिए। उसके बाद में अर्जुन ने श्याम सुंदर से पूछ लिया, बोले माधव क्या करें इसका। तो कन्हैया कहते हैं, देखो ये दोस्तर भैया जो कह रहे हैं वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, द्रौपदी जो कह रही है वो भी बिल्कुल ठीक है, और भीम जो कहते हैं वो भी ठीक है, और मेरा कहना तुमसे ये है। श्याम सुंदर बोले, मैं बताऊं, ब्राह्मण चाहे कैसा भी सही पर उसे मारना ना चाहिए। ब्राह्मण चाहे कैसा भी क्यों ना हो, लेकिन उसे मारना मना है, और बाल हत्यारा चाहे कोई भी क्यों ना हो, उसे छोड़ना भी मना है। सुन लीजिए, ये ब्राह्मण है इसे मारना नहीं, और ये बाल हत्यारा है इसे छोड़ना भी नहीं। अब अर्जुन तुम जाना। कन्हैया कहते हैं कि जो ये दुष्ट भैया कह रहे हैं बिल्कुल ठीक है, द्रौपदी कहती है कि वो भी बिल्कुल सही है, भीम भैया जो कह रहे हैं वो भी सही है, और मैं जो कह रहा हूं वो तो गलत हो ही नहीं सकता। अब तुम जानो। भीम कहने लगे, बड़ा अच्छा जजमेंट दिया है। अब अर्जुन तो बड़े परेशान है, ये ब्राह्मण है इसे मारना नहीं है, और ये बाल हत्यारा भी है इसे छोड़ना भी नहीं है। अब मारना भी नहीं है, छोड़ना भी नहीं है, फिर क्या करना है। तो उसके आधे सर के बाल कटवा दिए, आधी दाढ़ी मूछ मुड़वा दी, इसके सर में जो मणि थी उस मणि को निकाल लिया और अश्वत्थामा को छोड़ दिया। और मरने वाला तो इतने नहीं मर गया। समाज में जिसका नाम होता है, समाज में जिसकी प्रतिष्ठा है, और भरी सभा से उसे धक्के मार करके निकाल दिया जाए तो मरने वाला तो वैसे ही मर गया, और नहीं तो बहुतों को क्या है। सभा से निकाल दिया, बोले राम राम, बड़ी बेइज्जती हो गई, हम तुम्हारे साथ हैं, संघर्ष करो, तुम्हें तो सभा से निकाल दिया। बोले ये क्या, ये तो छोटी सी सबुल्ली थी, हम तो बड़ी बड़ी सभाओं से निकाले हैं, क्या फर्क पड़ता है। वैसे देखा जाए तो ये राष्ट्र तो भगवान के चल रहा, कोई फर्क ही नहीं पड़ता।